वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारे अपडेट है। तो भाई यहाँ पर खतरनाक खतरनाक से भी खतरनाक मैच स्टार्ट होने वाला है, मस्तूरी ब्लॉक वर्सेस पोटा पानी। भाई मस्तूरी बिलासपुर जिला में आता है और हमारा ये कोरबा जिला से है पोटा पानी। तो मैच पूरा देखना, और मेरे चैनल नया तो सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अमर कबड्डी अड्डा, तो आपको ऐसे ही मैच मिलता रहेगा। और रेड की कमान फोड़ा पानी राजेश कुमार नंबर दो की जर्सी के साथ राइट रेडर सात का हाउसफुल मैदान फिसलन जरूर है मैच के ऊपर। और उदया रोशनी का समा चमचमा रहा है कबड्डी का ओ कोट सर जमी अंडी का थार का अभिषेक नंबर आठ की जर्सी के साथ अपने पाले का पहला रेड और इस मुकाबले का दूसरा रेड के साथ में ऊंचे लंबे कट के रेडर नंबर आठ की जर्सी के साथ वॉक लाइन पूरा किया रेड को सर्टिफाई किया। देखिए फिसलन तो जरूर है मैट के ऊपर और ओस को कतई वो सूट नहीं करता है मैट, फिसलन तो होती है जरूर। मनीष कुमार नंबर तीन की जर्सी के साथ राइट रेडर सात खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान शुरुआती क्षण शुरुआती लंबा इस समय मनीष कुमार एक लंबा सा स्ट्रेच खींचा जरूर दूसरी मर्तबा कॉर्नर के ऊपर पहली मर्तबा कवर को पीछे धकेला धकेलने के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर आए लेकिन बड़ी तेजी के साथ मस्तूरी ब्लॉक की टीम ने पहला अंक सुनहरे अक्षर में सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल का और दूसरा मुकाबला राहुल कुमार नंबर चार की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर राइट का कॉर्नर और राइट के इस कॉर्नर से बड़ी तेजी के साथ दूर वाले कॉर्नर को पीछे धकेला एक छोर पर राजेश और देवानंद की कॉर्नर दूसरे छोर पर कार्तिक और विजय की कॉर्नर। तो यहाँ से तो पहला अंक की तलाश अभी भी है पोटा पानी को क्या डुआ ढाई पर पहला अंक सुनिश्चित करने के लिए मुकाबले अभिषेक कुमार जीरो आठ की जर्सी के साथ ये है डुआ ढाई डुआ ढाई का रेड और छह खिलाड़ी बोनस ऑन है बोनस से भी अपने आप को सुनिश्चित कर सकते हैं। 30 सेकंड का दायरा रेडर अभिषेक कुमार के लिए ये देखिए गलती हो गई बड़ी तेजी के साथ इक्वल वन इंच का इशारा फिसलन जरूर है मैट के ऊपर और यहां से उस फिसलन से भी बचना होगा खिलाड़ियों को। सफलता जरूर लगी लेकिन वन इंच का इशारा जो आया इक्वल का इशारा जो आया जिसमें कहीं जाकर के एक अंक ऊपर पड़ रहा है इस समय मस्तूरी ब्लॉक। मुकाबला है कड़ा मुकाबला है बड़ा मुकाबला है बोनस के लिए पैर डाला जरूर मनीष कुमार ने लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी ये देखने वाली बात होगी। एक ही जगह सप्लिंग करते रहे हिलते डुलते रहे मनीष कुमार बोनस का अंक पोटा पानी के लिए टेकल का अंक होगा मस्तूरी ब्लॉक के लिए। तो ये है रणनीति दो तीन के मुकाबले और दो तीन के मुकाबले एक अंक अभी भी ऊपर पा रहा है अपने आप को राहुल कुमार मस्तूरी ब्लॉक की टीम। दूसरी ओर पोटा पानी पांच के डिफेंस में राहुल कुमार प्रहार के ऊपर अब यहां से बार बार थोड़ी सी डिफेंस कम हो तो मुश्किल रहती है अंक जुटा पाना लेकिन कड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला है इस बड़े मुकाबले में अपने सोच बोझ के साथ खेलने होंगे दोनों टीमों को और खेलने के साथ साथ यहां से विजय कुमार है नंबर नौ की जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर हैं विजय कुमार एक अंक उनकी टीम पिछड़ रही है इस वक्त और देखना यह होगा कि क्या विजय कुमार इस रेड के ऊपर खरा साबित होते हैं अंकों के साथ अपने घर सुनिश्चित करते हैं जी नहीं अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। तीन और दो के मुकाबले एक अंक बढ़त पर नजर आ रही है कोटा पानी दो मस्तूरी ब्लॉक अभिषेक कुमार नंबर आठ की जर्सी के साथ राइट रेडर जहां उनकी टीम एक अंक ऊपर पा रहा है उनका मनोबल ऊंचा है वो एक कदम ऊपर पा रहा है महत्वपूर्ण रूप से और पाने के साथ साथ यहां से ये देखने वाली बात होगी। तो राजेश कुमार को अब कहीं जाकर के अजमा रहा है राजेश कुमार राजेश आर्मो नंबर दो के जर्सी के साथ अंत में वॉक लाइन को पूरा किया और रेड को सर्टिफाई किया तब कहीं जाकर के बैक फुट खींचा अपने घर की 100
हर हाल में रेडर को अंक चाहिए और पांच खिलाड़ी है डिफेंस के ऊपर बोनस ऑफ है। सात और छह के मुकाबले में बोनस बनती है। यहां से डिफेंस की ओर हुजूम निकल करके आई, कैच को पूरा किया, एक अंक लिया, टाइम आउट बुला राजेश कुमार। बोनस ऑन है जरूर, छह डिफेंस है और छह के डिफेंस में, लेकिन जिस तरह का डिफेंस चला है हमने लगातार देखा है। यहां से ये देखिए महत्वपूर्ण रूप से टेकल को पूरा किया, एक अंक लिया बढ़त का, मस्तूरी ब्लॉक। तो यहां से लगातार एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। कभी कहती है भैया मस्तूरी आप शेर हो, मस्तूरी कहती है हम सवा शेर है, बढ़त का एक अंक सहेजेंगे। वहीं मस्तूरी कहती है कि हम शेर हैं, तो वहीं पोटा पानी कहता है कि हम सवा शेर हैं। लेकिन इस आपाधापी में कौन सी टीम इस मुकाबले में अपने आप को ऊपर पायदान पर पाएगा। बहरहाल इस समय एक कदम जरूर ऊपर है मस्तूरी पर। विजय कुमार दो अढ़ाई पर खेलना पसंद कर रही है क्योंकि फिसलन है मैच के ऊपर, सबसे बड़ी परेशानी यह है खिलाड़ियों के लिए और जिसके वजह से वो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल है और लगातार वो दो अढ़ाई पर खेलना पसंद कर रहे हैं। प्रॉब्लम की बात यह है कि सीनियर और जूनियर के वो ट्रायल भी होने हैं बालोद में, जहां 29-30-31 जो डेट रही वो निकल करके पोस्टपोन्ड हो चला है, आगे चला है और उसके लिए भी जाएंगे ओपन में, तो उसकी भी उन्हें डर है। ये आयोजन तो ओपन आयोजन है, इसकी बात अलग है, लेकिन जो फेडरेशन का जो गेम है उसमें उन्होंने निगाहें टिका करके रखा है। फिलहाल इस समय तीन और चार के मुकाबले एक अंक से ऊपर पा रहा है मस्तूरी अपने आप को। कुछ ही समय आने होंगे पहले हाफ की समाप्ति के लिए और अभिषेक ही निकल रहा है नंबर एट के जर्सी। यहाँ से ये हर एक एक अंक चुनौतीपूर्ण है दोनों टीमों के लिए और किस तरह से खेल गुजरती है एक अच्छे हौसले के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ यदि खेल गुजरती है तो मौके बनेंगे जरूर। इक्वल का मुकाबला चार समय पूरा पानी चार दूसरे हाथ के खेल की ओर हम रुख करेंगे। आइए मैट के ऊपर पंकज ही निकले नंबर पांच की जर्सी के साथ। दूसरे हाथ के खेल की शुरुआत हो चली है। पंकज कुमार कोड़ा पानी के कोर्ट के ऊपर लगातार फिसलनों की मार झेलना पड़ रहा है इस समय खिलाड़ियों को और फिसलन इस वजह से है कि ओस की वजह से मैट ट्रिप पड़ जाती है और यहां से अंत में बैक फुट खींचने की तैयारी है रेडर। पंकज ने खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर मनीष कुमार भी निकले, मनीष कुमार नंबर तीन की जर्सी के साथ। मनीष होइके राइट रेडर लेग चलाया कवर के ऊपर लेकिन अभी भी कुछ फायदा हुआ नहीं है और अभी भी जारी रखा है रेड को। क्या टो टच कमल का शिकार सुनिश्चित कर लिया क्या बड़ी चतुराई के साथ मनीष कुमार, पूरा किया इस रेड को अंक के साथ में। कमल कुमार का शिकार सुनिश्चित कर दिया, टो से टो मिलाया कमल कुमार के, अब कह जा करके एक अंक ऊपर पा रहा है यहां से कोटा पानी। राहुल नंबर चार की जर्सी के साथ और टिकाओ कॉर्नर। हर एक गलती है दोनों टीम को ले डूबेगी, कोई भी टीम गलती करे इस मुकाबले से बाहर होगी ये तो तय है। मुकाबला कड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है पर शूट किया, सफलता हाथ लग रही है महत्वपूर्ण रूप से, टाइम आउट बुला लिया है इस बीच। गाइस जबरदस्त फर्स्ट टू एंड भाई ये भी कोई अच्छा पॉइंट है मतलब चार बात कर रूप से टाइम आउट के बाद दो अढ़ाई का ओरेड जहां से हर एक पैतरे अजमा करके रखा है इस समय दोनों टीमों ने और बड़ी तेजी के साथ पैर से स्वेप किया महत्वपूर्ण रूप से और दो अढ़ाई का रेड भी है। 30 सेकंड का दायरा है और 30 सेकंड में अपने आप को क्या किस तरह से घुमाएगा। Thank you.
इसी डिसीजन की ही बात रही और पांच के मुकाबले और पांच के मुकाबले महत्वपूर्ण रूप से मुकाबला है और इस मुकाबले में मनीष कुमार है इस समय प्रहार के ऊपर। मनीष कुमार एक अंक जरूर ऊपर है लेकिन जिस तरह से पीछा कर रहा है मस्तूरी ब्लॉक काबिले तारीफ होगी। यहां से अपने कब्जे में लिया मनीष कुमार का शिकार सुनिश्चित करके छह पर पहुंचा मस्तूरी और छह पर पहुंचा इस समय पूरा पानी पंकज कुमार पंकज नंबर पांच की जर्सी के साथ और बैक लाइन के ऊपर से बड़ी तेजी के साथ दूर वाले कॉर्नर को पीछे धकेला और धकेलने के साथ यहां से वो जो फिसलन जिसकी लगातार सही जा रही है लेकिन क्या करें वो प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक का ही सिस्टम है जिसके फलस्वरूप ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं लेकिन यहाँ से इस मुकाबले से तो निकलना जरूर है इस प्रतियोगिता को संपन्न करने जरूर है और जिसके फलस्वरूप पांच खिलाड़ी है समय कोर्ट के ऊपर विजय कुमार है प्रहार पर अंत में अब कहीं जा करके विजय कुमार को रेड जारी है। इक्वल का मुकाबला है छह अंक पर है इस समय मस्तूरी की टीम और छह अंक पर है पोटा पानी की टीम तो छह छह अंक पर दोनों टीमें हैं और इस छह अंक की लड़ाई में कौन सी और टीम होगा जिसका अंक ऊपर जाएगा इसके लिए आसमानी उंगली तय होगा दो ऑफिशियलों के दो मुख्य निर्णायक दूर वाले छोर से चंद्रभान सिंह जगत जी जिला निर्णायक प्रमुख और दूसरी ओर हमारे समीप वाले छोर से संतोष लैंग्वेज में कहें तो लेकिन क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला है कड़ा मुकाबला है और बड़ा मुकाबला है। इस तरह की मेगा मुकाबला अंतिम लड़ाई फाइनल मुकाबला क्या देखने को मिलेगा ये कहना मुमकिन है नहीं मुकाबले की तरह तो यहां से डू आर डाई हंड्रेड नंबर एट की जर्सी के साथ अभिषेक राइट रेडर और यहां से जो डिफेंस हम देख पा रहे हैं छह खिलाड़ी का डिफेंस है डू आर डाई का रेड है और 32nd का दायरा है अभिषेक कुमार के लिए। यहां से देखिए देवानंद का शिकार सुनिश्चित कर लिया एक अंक बढ़त का लिया है। यहां से विजय कुमार निकल रहे हैं अपने कोर्ट से टाइम आउट का समय संपन्न पर आ रहे हैं विजय कुमार दायित्व है उनके कंधे के ऊपर भरोसा है उनके कैप्टन का जब विजय कुमार हमें निकाल करके लेकर के आएंगे यहां से ये देखने वाली बात होगी क्या विजय कुमार निकालेंगे इस मुसीबत से थोड़ा पानी को ये देखने वाली बात होगी। इस बार क्या उनकी सार्थकता हाथ लग रही है बिच्छू की तरह डंक मारा पंकज को स्कॉर्पियन किक का प्रहार किया सफलता हाथ लगी मुकाबला आ चला है इक्वल का मुकाबला मस्तूरी की टीम सात अंक पर पोटा पानी क्या इतने टाइम मुकाबला हम देख पाएंगे फाइनल मुकाबला ये कतई अंदेशा नहीं कर सकते कतई आशा नहीं कर सकते फाइनल मुकाबले से कोई कम है नहीं मेगा मुकाबले से कम है नहीं है मुकाबला ये तो तय है। ये देखिए सात सात पर है दोनों टीमें समय आने होंगे 1 मिनट और 35 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे। मनीष कुमार नंबर 3 की जर्सी के साथ कोटा पानी पांच का डिफेंस और डिफेंस में हम यूं कहें कि बोनस ऑफ है तो मुसीबत का झेल तो दोनों ही टीम को झेलना पड़ेगा। बड़ी तेजी के साथ एक लंबा सा स्टैच जरूर खींचा मनीष कुमार ने अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। मुश्किल ये है दूसरी ओर महत्वपूर्ण ये है कि आप रही मनीष कुमार के लिए लेकिन अभिषेक कुमार उसके लिए जरूर आएंगे ये तो तय है और डिफेंस क्या कतई मौका देगा पोटा पानी का ये देखने वाली बात होगी। यहां से हर एक गलती ले डूबेगी इस मुकाबले से
ये तो तय है दोनों टीमों के लिए, ये देखने वाली बात होगी। रज्जू निकल करके आए, रज्जू निकलने के साथ वॉक लाइन को पूरा किया, अपने रेड को सर्टिफाई किया, अब वापिस चले, क्या डू आर डाई का इंतजार हो रहा है। और डू आर डाई के इंतजार में यहाँ से ये देखने वाली बात होगी कि डू आर डाई किस तरह से इस्तेमाल करता है डिफेंस और किसको आजमाता है यहाँ से मस्तूरी ब्लॉक की टीम रेडर के लिए, ये कहना थोड़ी सी मुश्किल है। अभिषेक है, पंकज है, सॉरी शुभम है, तो यहाँ से वो देखने वाली बात होगी। टाइम आउट छोटा पानी के भाई, यहाँ पर 16 सेकंड बचा है और लास्ट मिनट है, दोनों का 7 पॉइंट है, मस्तूरी वर्सेस छोटा पानी, 7-7 के मुकाबले इस समय छोटा पानी विरुद्ध मस्तूरी ब्लॉक। ये देखिए अभी सही होगी डुआ डाइव पर अभिषेक यादव, क्योंकि उनके लंबे कट के रेडर है और इसके पर स्वरूप उन्होंने कहा कि अभिषेक ही काम कर रहे हो, लेकिन हम आपको खिला रहे हो, अंत में अभिषेक का शिकार सुनिश्चित कर लिया है महत्वपूर्ण रूप से। छोटा पानी एक अंक ऊपर जा रहा है, 8वें अंक पर पहुंचा छोटा पानी, मनीष कुमार के कंधे के ऊपर जवाबदारी सौंप रखा है यहाँ से छोटा पानी, मनीष कुमार फंसते हैं, मतलब यहाँ से फिर से इक्वल का मुकाबला हो चलेगा, डुआ ढाई का मुकाबला, सॉरी मैच है, डुआ ढाई का और रेड है, भयानक है, फंसी कहीं इस आपाधापी में घुल मिल से जा रहे हैं, काफी अंदर गए, डीप जाने के साथ भाई हो गया मैच, गाइस देखो यार यही लोग मस्त मस्ती कर रहे हैं, सुनिश्चित कर दिया भाई, अब टाइम मैच स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर नाम लिस्ट बनाया जा रहा है प्लेयर लोगों का, 5-5 के रेट का होगा, तो दूसरा सवाल है भैया, देख सकते हो यार यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मैच फाइनल से मस्तूरी ब्लास्ट, हम पीछे नहीं हटने वाले, दूसरे छोर पर हम पीछे हटने वालों में से है नहीं, तो पल्ला भारी होगा, किसके हक में होगा, उस समय किसके पक्ष में आएगा, समय किसका बलवान होगा, स्टार्ट होने वाला है, दिल थाम कर मेरा वीडियो देखिए, खतरनाक भाई ये मैच ना, मतलब मिलियन में भेजवा दो यार, खतरनाक टाइप का, यहाँ पर कुछ गुफ्तगू हो रहा है रेफरी लोगों के साथ, बातचीत हो रहा है, नियम बताया जा रहा है यहाँ पर 5-5 रेड का, भाई यहाँ पर फर्स्ट रेड मस्तूरी से आएगा शायद, कमल कुमार मस्तूरी से पहले नंबर रेडर, पहले सूचित कराए ऊपर हाथ करके, कमल कुमार ऊपर हाथ करे, अपनी हिदायत करे, परिचय दे, कमल का हो गया प्रेजेंट, जा रहा है अभी रेड पर, पहले नंबर रेडर रेडी, एक लंबे विचिल की सारण है, 30 सेकंड का दायरा है रेडर के लिए, बड़ी खूबसूरती के साथ वॉक लाइन के ऊपर पैर जरूर चलाया, दूसरी मरतबा क्या पूरा किया, उसको पुख्ता किया, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी, मतलब जरूर वो कर लिया है, पहला अंक बोनस का सुनिश्चित कर लिया कमल कुमार, विजय होंगे छोटा पानी से, पहले नंबर रेडर विजय कुमार, ऑल डिफेंस रेडी मस्तूरी, विजय कुमार पहले नंबर रेडर, यहाँ से यह देखने वाली बात होगी, वो 30 सेकंड का दायरा है रेडर के लिए, बड़ी खूबसूरती के साथ प्रयास जरूर रहा है, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी ये देखने वाली बात होगी, कमल कुमार और राहुल का शिकार सुनिश्चित कर लिया है, तो एक एक अंक दोनों छोर से आ गए हैं, मनीष कुमार होंगे मस्तूरी से, मनीष कुमार दूसरे नंबर रेडर, मनीष कुमार मिला दोनों टीम को, दूसरे नंबर रेडर और नंबर दो की जर्सी के साथ मनीष कुमार, मनीष कुमार दूसरे नंबर रेडर, टच का अंक सुनिश्चित हो गया यहां से, कार्तिक का शिकार किया, राजेश कुमार होंगे, राजेश कुमार दूसरे नंबर रेडर, छोटा पानी से राजेश कुमार, राजेश कुमार ऑल ऑफिशियल रेडी, कैप्टन रेडी मस्तूरी, राजेश कुमार जहाँ एक अंक पिछड़ रही है उनकी टीम राजेश कुमार की, और प्रयास तो जरूर रहा है, लंबा सा स्टैच खींचा जरूर, ये देखिए डिफेंस की कारीगरी, डिफेंस ने वो काम करके दिया और एक अंक लिया, राहुल होंगे अगले रेडर, तीसरे नंबर रेडर राहुल, नंबर 4 की जर्सी के साथ,
ऑफिसर रेडी, डिफेंस रेडी, कोटा पानी दो पॉइंट आगे है। राहुल कुमार यहाँ से हर एक गलती गहराई में ले डूबेगी, जो भी टीम गलती करती है अपने आप को कतई माफ नहीं कर पाएगी इसे दो अढ़ाई मुकाबले में। सफलता हाथ लगी, एक अंक लिया जरूर। तो यहाँ से मनीष की जगह रज्जू कोटा पानी से, रज्जू थर्ड सेकंड का दायरा, एक अंक अभी भी ऊपर पा रहा है इस समय मस्तूरी अपने आप को। पंकज दूर वाले कॉर्नर से, अब यहाँ से ये देखिए रज्जू प्रहार के ऊपर, 30 सेकंड का दायरा है, हर एक एक रेड डू और डाई का मामला है। एंकल को लिया महत्वपूर्ण रूप से, एक अंक लिया सुनिश्चित किया। अभिषेक होंगे चौथे नंबर रेडर, अभिषेक कुमार नंबर 8 के जर्सी के साथ, अभिषेक कुमार 12-10 के मुकाबले। यहां से मुश्किल जरूर है दोनों टीमों के लिए। अभिषेक यदि गलती करती है तो यहां से अपने आप को कतई माफ नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। 30 सेकेंड का दायरा है और यहां से ये देखने वाली बात होगी। देवानंद का शिकार सुनिश्चित कर लिया अभिषेक। मनीष कुमार होंगे चौथे नंबर रेडर, मनीष कुमार पोटा पानी से। मनीष कुमार के कंधे के ऊपर जवाबदारी, ये देखिए डिफेंस की हुजूम निकल करके आई, मनीष का शिकार किया, रेडर आउट। और पंकज होंगे अंतिम रेडर, रेडर अंतिम पांचवें नंबर मस्तूरी से, पंकज कुमार यहाँ से देखने वाली बात यह होगी। एक बार तब फिर से अंक गवाया कोटा पानी। देवानंद होंगे अंतिम रेडर, देवानंद। और 11-15 के मुकाबला यहीं संपन्न हो चला। कोटा पानी महत्वपूर्ण 4 अंकों के साथ भाई मस्तूरी इस प्रतियोगिता से पार होने जा रही है।